फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मैक्रेम से तोरण किस तरह से बनाते हैं वो बताने जा रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें तोरण बनाने के लिए चाहिए दो कलर के मैक्रेम। यहाँ पे मैंने येलो और लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन किया है। आप चाहे तो डिफरेंट कलर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसे एक कलर में भी बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मटका शेप के बीट्स लिए हैं, ब्लू और रेड। और ये मीडियम साइज बेल लिए है मैंने, और हमेशा की तरह लाइटर और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कॉर्ड ली है, येलो कलर की कॉर्ड ली है, और ये 3 मीटर की मैंने यहाँ पे कॉर्ड ली है। अगर कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा तो मैं एक्चुअल मेजरमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये हमारी सिंगल कॉर्ड 3 मीटर की है, तो उसे मैंने इस तरह से डबल कर लिया। यहाँ पे देखिए, इसका सेंटर आ जाता है। ठीक इसी तरह से दूसरे कॉर्ड भी हम लेंगे, इसे भी सेम उसी तरह से डबल कर लेंगे। अब जो है यहाँ पे हम एक सिंपल नॉट लगाएंगे। इसे धीरे धीरे करते हुए टाइट कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो लूप यहाँ पे बना है इसे नीचे खींच लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो इस तरह से ये कॉर्ड हमने अटैच कर ली। और एक मैं आपको बताती हूँ, कॉर्ड को इस तरह से डबल कर लेंगे। और यहाँ पे सिंपल नॉट लगा देंगे। तो इस तरह से हमें ये जॉइन करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक दो बना के रखे हैं इस तरह से। अब जो है हमें इसे जॉइन करना है। तो पहले यहाँ पे मैंने लाइट ग्रीन कलर और येलो कलर लिया है, और इन दोनों को, ये दो कॉर्ड हम छोड़ देंगे और इसके इस साइड के दो कॉर्ड छोड़ देंगे, और ये जो बीच वाले हैं इनको मिला के हम फिर से यहाँ पे सिंपल नॉट लगाएंगे। इसे खींच कर अच्छे से टाइट कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे हम फिर से येलो कलर लगाएंगे। अब जो एंड में है हम फिर से यहाँ पे ग्रीन कलर की कॉर्ड लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे कॉर्ड जॉइन हो चुके हैं। और यहाँ पे जो लाइट कलर ग्रीन है वो मैंने यहाँ पे 4 कॉर्ड यूज़ किए हैं, और हमारे सारे कॉर्ड 3 मीटर के हैं। और ये जो बीच में कॉर्ड है ये मैंने येलो कलर के कॉर्ड 8 यूज़ किए हैं यहाँ पे, और ये टोटल कॉर्ड 12 है और सारे 3 मीटर के ही है। अब जो है हम यहाँ से सिंपल नॉट स्टार्ट करेंगे।
देखिए यहाँ पे जो हम लाइन कर रहे हैं वहाँ पे मैंने यहाँ पे दो नॉट लगाए हैं और यहाँ पे तीसरे नॉट पे जो मिडल वाले दो नॉट है इसके मिडल वाले जो चार कॉर्ड है इनमें से सबसे मिडल वाले जो दो कॉर्ड है उनको लेके मैं यहाँ पे इसमें बिट्स डालूंगी। फिर आगे से फिर से मैं नॉट लगाऊंगी। बनानी है आपके डोर का साइज जितना हो आप उतनी लंबी ये पट्टी बनाइए। इस तरह से बिट्स लगा के आप बना सकते हैं या फिर विदाउट बिट्स भी आप इसे बना सकते हैं।
पेज पर, सॉरी मैसेज आया था पेज पर कि तोरण में बीट्स किस तरह से डालते हैं, उस पर एक वीडियो बनाई है। तो मैं एक एक चीज़ पर तो वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन हाँ तोरण में आप इसी तरह से बीट्स डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, इसी तरह से आप तोरण में बीट्स डाल सकते हैं कोई भी डिज़ाइन में। तो मैंने इसे 35 इंच तक की पट्टी बनाई है, क्योंकि साइड में से दोनों साइड में रिंग आएगी वो एक एक इंच की आएगी, इसलिए मैंने 2 इंच माइनस करके 35 इसकी लेंथ ली है। और अब जो ये एक्स्ट्रा कॉर्ड है इसे हम कट कर देंगे। डिजाइन हम बीट से ही बनाएंगे इस तरह से। तो ये लास्ट जो ब्लॉक है ये मैं आपको बताऊंगी किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक सिंगल कॉर्ड ली है येलो कलर की, ये 2 मीटर की कॉर्ड है। हर एक डिज़ाइन होने के बाद देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे लूप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस लूप से हमें कॉर्ड निकालनी है। तो ये जो एक ब्लॉक कंप्लीट होता है उसके बाद में हम यहाँ पे एक लूप छोड़ देंगे, उसके साइड वाले लूप में हम ऊपर से एक कॉर्ड हम ऊपर से डालेंगे। इस तरह से, और इसके ऊपर इस तरह से राउंड बनाते हुए ये कॉर्ड नीचे से ऊपर की तरफ। ये जो एक्स्ट्रा कॉर्ड है इसे बाद में हम कट कर लेंगे। अब जो है यहाँ पे हम बीट्स डालेंगे।
मैंने यहाँ पे चार बीड्स लिए हैं, आप चाहे तो दो बीड्स भी यहाँ पे डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पे ब्लू कलर लिया है, आप चाहे वो कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे बीड्स से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने चार बीड्स डाल दिए। अब जो है जिस लूप में हमने ये नॉट लगाया कॉर्ड डाल के, उसके साइड वाला जो है उसे छोड़ देंगे और उसके साइड वाला जो है उसमें हम कॉर्ड डालेंगे। पहली टाइम हमने कॉर्ड ऊपर से डाला है, अब जो है हम कॉर्ड नीचे से डालेंगे इस तरह से। और यहाँ पे देखिए इसे हम इस तरह से राउंड करते हुए कॉर्ड को नीचे से ऊपर की तरफ। और इसे हम हल्के हाथों से टाइट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा ये डिज़ाइन बन के रेडी है। अब जो है देखिए यहाँ पे हमने ये इस लूप में हमने ये नॉट लगाया है, तो उसके बगल वाला जो है उसे हम छोड़ देंगे और उसके साइड वाला जो है उससे हम फिर से उसमें से कॉर्ड निकालेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे फिर से बीड्स डालेंगे। मैं यहाँ पे फिर से चार बीड्स डाल रही हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक लूप छोड़ के उसके साइड वाले लूप में हम फिर से कॉर्ड डालेंगे नीचे की तरफ से इस तरह से। और यहाँ पे राउंड सर्कल बनाते हुए नीचे से कॉर्ड ऊपर की तरफ। और धीरे धीरे इस नॉट को हम टाइट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें ये डिजाइन 6 बार बनानी है। मैंने ये 6 बार डिज़ाइन बनाई है बीड्स डालते हुए। अब जो है हम इसमें रेड कलर के बेल डालेंगे। ये मीडियम साइज के बेल हैं। देखिए यहाँ पे बेल डालने के बाद इसी कॉर्ड से ये जो लास्ट वाला हमारा डिजाइन है उसके नीचे से कॉर्ड लेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी राउंड सर्कल बनाएंगे और कॉर्ड को नीचे से फिर इस राउंड से अंदर।
तो देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने बेल लगाए हैं। फिर से हम इसमें बिट्स डालेंगे और सेम प्रोसेस उसी तरह से रिपीट करेंगे। Thank you.
लास्ट वाला जो लूप है यहाँ पे हम रेड कलर के बीट्स डालेंगे। मैंने यहाँ पे दो बीट्स डाले हैं। इसके बाद में मैं इस तरह के हैंगिंग बेल यहाँ पे यूज कर रही हूँ, इसमें डाल रही हूँ। आपके पास अगर ना हो तो आप इस तरह से भी बेल डाल सकते हैं अलग कलर के। और फिर से ये दो बीट्स डाल देंगे। फिर से नीचे से कॉर्ड लेंगे। और यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। यहाँ पे हम और एक नॉट लगा लेंगे ताकि ये टाइट हो जाए। अब एक्स्ट्रा जो कॉर्ड है इसे हम कट कर देंगे और जला के स्टिक कर देंगे। और यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया था यहाँ पे भी कॉर्ड है, इसे हम जलाकर पीछे की साइड में स्टिक कर देंगे। एक एक लूप छोड़ा था वहाँ पे भी हम एक एक बेल लगा लेंगे। यहाँ पे हमने जो कॉर्ड कट किए थे यहाँ से और यहाँ पे स्टिक कर दिया था, यहाँ से जो कॉर्ड हमने कट किए थे वो वेस्टेज जो होता है उसी से मैं कॉर्ड लूँगी। तो ये कॉर्ड जो हमने कट किए थे उसमें से ये कॉर्ड है, इसे मैं छोटे छोटे पीस कर लूँगी। और ये जो लूप है इसके अंदर डालेंगे। इस तरह से। और एक इंच का डिस्टेंस रखते हुए हम इसे कट कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से बेल लगा लूंगी। अब जो फ्रेंड हमें इस तोरण को हैंग करने के लिए रिंग लगानी है, एक किचन रिंग है, एक इंच तक ये रिंग है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सीजर से थोड़ा यहाँ पे हुक बना लिया है और ये जो रिंग है इसे हम थोड़ा सा खोल देंगे इस तरह से और इस लूप के अंदर डाल देंगे। देखिए इसी तरह से हमें दूसरे साइड पर भी रिंग लगानी है। तो फ्रेंड्स इस तोरण को और डेकोरेटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसे मिरर यूज करूंगी। यहाँ पे मैंने कुछ मिरर के टुकड़े लिए हैं, ये राउंड शेप के मिरर के टुकड़े हैं और ये फैब्रिक ग्लू। तो मैं इस डिजाइन में मिरर लगाऊंगी।
इसे सूखने में काफ़ी देर लगती है, लेकिन ये सूखने के बाद अच्छे से स्टिक हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं ये सारे जो ऊपर की पट्टी है वहाँ पे मैं मिरर लगा लूँगी। तो इस तरह से मैंने ये सारे मिरर लगा लिए हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा तोरण बनके रेडी है। तो ये था हमारा माइक्रेम का तोरण। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं जल्दी लौटूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।